आज हमारे साथ बॉलीवुड के जूनियर शाहरुख खान, राजू भाई जाने जाने वाले, उनका नाम राजू है लेकिन वो शाहरुख खान जूनियर से जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। सर राजू जो एक पहचान थी आपकी, वो आपका हट चुका है और अभी आपको SRK जूनियर जाना जाता है। अब देखिए सर, ऐसा होता है, एक फादर के नाम से एक बच्चे का नाम चलता है। अभी मेरा नाम है राजू रईकवार मेरा सरनेम है, ठीक है। अब मैं जब से शाहरुख साहब की मैंने एक्टिंग करने लगा तो अब लोग मुझे राजू रईकवार जूनियर SRK बोलते, तो जूनियर SRK अब मेरा सरनेम हो गया सर। वही नाम से मेरी रोज़ी रोटी चलती है, मैं काफ़ी शोज़ वगैरह करता हूँ, ग्लैमर दुनिया है, अब्रॉड शोज़ हो जाते हैं, दुबई शो हो जाता है, लंदन अमेरिका जाता हूँ शाहरुख भाई के नाम से, और बड़े बड़े जगह पर शो करके मेरा घर चलता है। तो इस बात की खुशी कि कोई बड़े स्टार का मेरे साथ में नाम जुड़ा है, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर मेरे लिए। जैसे कि सर पहचान एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक महत्व होता है कि हर किसी का सर नहीं। जी हाँ जी। लेकिन आपको SRK जूनियर से जाना जाता है। जी हाँ। तो कभी घर वालों की तरफ से कभी प्रेशर आया कि नहीं 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 अपना पहचान छोड़ रहा है, तो कभी प्रेशर आया कभी आपको? मैं एक आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ इसमें। एक जब मैं दीवाना फिल्म देखने गया था शाहरुख भाई की, तो वहाँ पे क्या हो गया था, एक लड़की फिल्म देख के निकली, उसने बोली पाए मनी शाहरुख खान, मेरे दोस्त को कहा उसने, तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये तुझे शाहरुख खान बोली, मतलब ये कौन है? तो यार अभी जिसके हम लोग पिक्चर देखे, मैं बोला यार मैं उसके जैसा कहाँ लगता हूँ? तो उसने बोला नहीं यार दूर से वो बिल्कुल सिमिलर तेरे जैसा लगता है, उसके हेयर स्टाइल बाल तेरे जैसे बोले। मतलब अच्छा, अब ये मुझे नाम उन्होंने दिया, मुझे नहीं पता मैं शाहरुख भाई का एक्टिंग कर सकता हूँ या मैं लग सकता हूँ करके। जस्ट मैं गांव पहुँचा, गांव पहुँचने के बाद में फिर वो दूसरे गांव में पिक्चर लगी थी, एक महीने के बाद हमारे गांव में लगी। लगने के बाद में वहाँ लोग बोलने लगा, अरे शाहरुख तेरे जैसा दिखता, अरे तू शाहरुख जैसा दिखता है। अब ये बोलते बोलते लोगों ने मुझे तैयार किया, मुझे नहीं पता था। तो फिर क्या, गाँव में आपको पता है पान ठेला होता है, पान की दुकान होती है, तो वहाँ पर दीवाना के गाने बजना, तो मैं वहाँ डांस कर लेना, फिर बर्थडे शो चले जाना, पार्टी शो में चले जाना। अब गांव में तो ऐसा भी हो जाता था कि लोग मुझे जब बच्चों का नामकरण रखना हो तो बोले यार शाहरुख भाई को बुलाओ, तो मैं इतना पॉपुलर हो चुका था उस वक्त। तो एक बच्चे का नाम मैंने बोला यार तेरे मार्केट में कौन चल रहा, तू साउथ का? तो उसने बोला हाँ, तो मतलब प्रभु नाम रख ले। तो आज वो बच्चे का नाम प्रभु है। तो वो होते रहता है, हम नहीं चाहते कुछ बनने के लिए लेकिन लोग हमें बना देते। शुरू शुरू में अच्छा लगता है कि नहीं यार मैं शाहरुख साहब की एक्टिंग कर रहा हूँ या मिमिक्री कर रहा हूँ, मुझे नाम फेम सब मिल रहा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते बोलते यार अपनी पहचान भी खुद की होनी चाहिए, आप शाहरुख खान के नाम से कब तक चलोगे? ओरिजिनल मार्केट में एक है जिसको लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर मैं सोचता हूँ यार ये बात भी लोगों की सच है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं अपनी पहचान खुद बनाऊँ। तो जैसे भी हमने एक हमारी फिल्म बनाई, आप देख रहे होंगे, आमिर सलमान शाहरुख, तो इसमें मेरे जो तीनों कैरेक्टर है आमिर सलमान शाहरुख, तो मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ जगह पर हमको शाहरुख साहब की एक्टिंग करना है, आमिर साहब की, सलमान साहब की एक्टिंग करना है, लेकिन कुछ जगह पर उन लोग की एक्टिंग करना है हम लोग को। लेकिन प्रॉपर अगर कोई फिल्म देखेंगे तो आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये बाकायदा इन लोग तीनों ने अपनी खुद की एक्टिंग की है, तो कल आप रजिस्टर नोटिस करोगे कि हाँ यार शाहरुख के अलावा ये अपनी खुद की एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है करके। तो हमने एक शुरुआत की है, बाकी मालिक। सर जैसे कि आप बनारस के हैं, तो जब आप घर पे रहते थे जब परिवार, तो परिवार में से भी कोई एक्टिंग में था या खुद आप अपने आप शुरू आपने खुद ही चालू किया? नहीं सर, इसमें बताओ, बल्लार शाह एक शहर है सर, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में आता है, विदर्भ में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। शुरू शुरू में जब शाहरुख साहब मार्केट में आए तो मेरा थोड़ा नाम हुआ, तो मैं मेरी मम्मी को थोड़ा बेवकूफ़ बनाता था। बिल्डिंग में मम्मी बैठी होती थी तो मैं बोलता माँ देख मेरी कितनी अच्छी फोटो, तो माँ बोलती यार यार सेम फोटो है, बोले कितना खर्चा गया? मतलब माँ 1200 रुपये बहुत होता था, क्योंकि हमको 10 या 20 रुपये खर्चे को मिलते थे। तो मेरी माँ को बेवकूफ़ बना के शाहरुख भाई की फ़ोटो दिखा के 1200 रुपये लेता था मैं। फिर शाहरुख भाई की सब पिक्चर खरीद के बाका था, उसको कटिंग करके, उसको फ्रेमिंग वगैरह करके मेरे एक पर्सनल रूम में लगाता था मैं पूरा। अब ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। फिर डैडी ने भी देखा यार ये क्या भांडगिरी चालू किया। फिर लव लैंग्वेज होते, थोड़े बुजुर्ग होते तो ये बोलते। फिर मुझे मेरे पिताजी ने एक हल्दीराम का शोरूम डाल के दिया, बोले आज से तुझे ये संभालना है, ये सब दुनियादारी बनकर, ये सब एक्टिंग टिंग नहीं चलेंगी करके। अब मैं शोरूम में बैठा हूँ तो मेरे दोस्त, और शाहरुख कैसा है भाई? तो मैं और कैसा है, बोला तू कुछ खाएगा? तो उसको समोसा कचौरी फ्री में खा रहे। तो अभी डैडी ने देखे दुकान तो चल नहीं रही, शाहरुख भाई के नाम से ये लोगों को बांटते जा रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी ट्रेजेडी होगी। डैडी ने फिर बोले यार ये लड़का हाथ से निकल जाएगा शाहरुख के चक्कर में। तो फिर डैडी ने मेरी शादी की बात चालू कर दी। अब मैं लड़की देखने गया, अब हादसा देखिए क्या होता है वहाँ पे। मैं जस्ट लड़की देखने गए, हम लोग बैठे तो लड़की के फादर घर पे आए, तो मेरी मम्मी को देखिए बोलते हैं आप, तो मम्मी बोलती है अरे आप, तो मैं बोला मतलब मम्मी आप कैसे पहचानती हूँ? अरे बहुत साल पहले ये मेरा हाथ मांगने आए थे अपने घर में, मतलब अब हम लोग इनकी लड़की मांगने आए, बोला घर पे। तो थोड़ा हादसा हो गया। फिर मैंने मेरे बड़े भाई साहब से कहा, उस वक्त मैं रो दिया थोड़ा, मतलब भाई शादी करूँगा बर्बाद हो जाऊँगा भाई, कुछ एम नहीं बोला मेरा, बोला और मुझे शादी नहीं करना है, एक काम कर भाई, बोले तू भाग जा, बोले मतलब मम्मी डैडी, बोले मैं संभालूंगा। तो नागपुर में OP सिंह मेलोडी मेकर्स एक ऑर्केस्ट्रा है,
तो मेरे भाई साहब ने बोला तू भाग, मैं संभालूंगा करके। अब ये लड़की के फादर है, लड़की तैयार हो रही है, मैं जस्ट बाहर गया भाई से बात करने, वहाँ से मैं निकल गया। अब मेरे घर वाले ढूंढ रहे, मैं कहूँ मैं 2 महीना घर पे नहीं गया बॉस में, 2 महीना ओपी सिंह जी के यहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की, डायलॉग डिलीवरी सीखी, डांस सीखा, एक्टिंग सीखा, ये सीखा, देन वहीं से मेरे शो चलोगे। उस वक्त मेरी सैलरी होती थी एक शो का 175 रुपये मुझे मिलता था, 175 रुपये में 20 रुपये मुझे मेरे खाने का होता था, जो मुझे खाना खाना होता था। और वहाँ पे नाइट होती थी जूनियर शाहरुख खान नाइट, जिसका टिकट रेट होता था 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, और मुझे मिलता था 175 रुपये। और देन ये ख़त्म होने के बाद में मुझे सामान उठाना पड़ता था, सामान रखना पड़ता था, और बैक स्टेज पे मेरे जो बॉस होते थे उनके लिए मैं आईना पकड़ के खड़े रहने का, वो कपड़े पहनने का, उनके कपड़े प्रेस करने का, लड़कियों को चाय पिलाने का, पानी पिलाने का। देन मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। स्ट्रगल तो शुरू से वो जूनियर शाहरुख खान बनने के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। ये तो खैर हमारे नागपुर का सफ़र था जो मैंने 3 साल काटा। देन फिर उसके बाद जो मैं मुंबई आया हूँ, जो मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, रोड पे सोने का, वड़ा पाव खाने का, टैक्सी धोया हो, ऑटो धोया हो, शाहरुख खान बनने के चक्कर में। खैर मैं तो बन नहीं सकता, वो दिख सकता है, कर सकता है, लेकिन वो शाहरुख खान बन नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख खान साहब एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो शुरुआत करते 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 आज अल्लाह ने इतना दे दिया कि जो कुछ भी है मेरे पास में शाहरुख भाई के नाम से ही है। जैसे कि जो छोटे गांव से, आप गांव से आए, तो गांव में एक एक रहता है कि एक्टिंग करियर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, राइट? नहीं है, लोग चाहते कि मेरा बच्चा टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। तो आपके घर पे कैसा माहौल था? सब मेरे घर वाले तो देखो क्या होता, अगर शाहरुख भाई नहीं आते तो मैं चोर या डाकू बनता, क्योंकि मेरा सर्कल ही वैसा था पूरा। वो तो शाहरुख भाई आने से मेरे को थोड़ी लाइन अच्छी मिल गई, मैं मुंबई शहर में आया, और मैं तहे दिल से मुंबई शहर का शुक्र गुजार हूँ कि ये ज़मीन ने मुझे बहुत दिया, मेरी औकात से बढ़कर दिया। आज अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो मेरे ऑफिस में बैठ के ले रहे, जो अपना खुद का ऑफिस है, अपना ये खुद के घर है, बीबी है, बच्चे हैं, वेल सेटल लाइफ है, बिकॉज शाहरुख खान साहब के नाम से। अगर मैं राजू रई कुमार बनने इंडस्ट्री में आता तो शायद मुझे इंडस्ट्री इतना कुछ नहीं दे पाती जितना मुझे शाहरुख भाई के नाम से मिला है। और मैं शाहरुख भाई का, शाहरुख भाई के पूरे परिवार का तह दिल से ज़िंदगी भर एहसान मंद रहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ शाहरुख भाई की बदौलत हूँ मैं। और रहा आपने जैसे कहा कि घर वाले क्या सोचते थे कि डॉक्टर बनेंगे, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं सर। अभी हमारे बड़े भाई साहब है वो जॉब करते हैं, छोटा भाई दुकान संभालता है, तो नेचुरली मैं भी रहता तो दुकान में क्या होता, वो वड़ा पाव खिलाता, कटलेस खिलाता, यही काम करता मैं। लेकिन शाहरुख भाई की वजह से आज मैं मुंबई शहर में बैठा हूँ। तो मेरे पूरे गांव में मैं पहला शख्स हूँ जो मुंबई शहर में सक्सेसफुल हुआ। 95 में मेरी इंटरव्यू हुई थी और तकरीबन कुछ 22 साल से मैं शाहरुख साहब की एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं खुश हूँ। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी मेरी एज 43 हो गई है, आने वाले समय में क्या पता मैं स्टार बन पाऊंगा नहीं, स्टार बनने का सपना ही नहीं, बिकॉज क्योंकि इतने बड़े स्टार का नाम मेरे साथ जुड़ा है। तो ये मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ा है। देखो क्या होता है, अब शाहरुख साहब देखिए हर जगह पे शाहरुख साहब नहीं जा सकते, तो वहाँ कौन जाते, हम लोग जैसे धारावी हो गया, काटकोपर हो गया, चेंबूर हो गया, बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, ये फला फला जाके हम लोग शो करके आते और शाहरुख साहब के फैन हम बनाते सर। अब आप पूछोगे कैसे, पूछिए कैसे, मतलब मैं भी देखा आपको यूट्यूब, तो आप वहाँ पे लोगों का बहुत उत्साह रहता है, आप अलग अलग गांवों में जाते हैं, वहाँ पे आप डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो लोगों का उत्साह कैसा रहता है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो सर उसमें ऐसा होता है, ओरिजिनल तो वहाँ आ नहीं सकते, तो नेचुरली वो ओरिजिनल का जो एक्साइटमेंट होता है लोगों का, वो हम लोग को देख के पूरा होता है। जब उनके सामने बोला जाता है कि भाई राजू रई कुमार जूनियर एसआर के आपके पास में आ रहे करके, तो लोगों की थोड़ी छवि क्या हो जाती है कि हम लोग सिर्फ शाहरुख साहब को देखना चाहते हैं, उनको राजू से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि राजू क्या कर रहा है, उनको सिर्फ ये देखना ये डायलॉग डिलीवरी बराबर बोल रहा है कि नहीं, ये डांस बराबर कर रहा है कि नहीं, ये एंटरटेन कर रहा है कि नहीं। देन वो होने के बाद में बैक स्टेज पे लोग आके हमारे साथ फोटो निकालते, ऑटोग्राफ लेते, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते तो मैं भी उनके पैर पड़ता हूँ, कैसे, नेचुरल सी बात है, हम लोग इंडियन कल्चर में लोग पढ़े हैं तो हम लोग बड़े को रिस्पेक्ट देना पड़ता है हम लोग को। तो एक लेडीज ने मुझे सवाल किया, क्या आप जैसे वैसे शाहरुख खान भी वैसा ही है? तो मैंने कहा बोला नहीं मैम, मेरे से ज़्यादा अच्छे बोला शाहरुख साहब। बस बात ये कि वो डायमंड जो होता है वो आम नहीं होता है ना, डायमंड हर जगह नहीं पहुंच सकता ना, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए थोड़ा मैं कहीं आ जाता हूँ। तो जो लोग मुझसे मिलते हैं तो वो मेरे भी फ़ैन होते हैं, और मुझसे मिलने के बाद में उन्हें लगता है कि फिर वो शाहरुख साहब के भी फ़ैन होते हैं। तो एक लड़की ने बोली मैं तो शाहरुख साहब से मिल नहीं सकी, बोले लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। तो मैंने शाहरुख साहब का एक फ़ैन तो छीना है, एक फ़ैन मैंने छीना है शाहरुख भाई का। तो सर जैसे कि आप, आपकी एक फिल्म थी जहाँ पर आप एक दिन पूरा दिन सेट में काम कर रहे थे, आपके लिए सेट लगा था, जी जी, तो कभी ऐसा कैसा महसूस हुआ उस समय कि एक पूरा दिन आपके लिए सेट लगना या फिल्म लगना, अभी आपकी एक फिल्म आ रही है, जी जी, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि
हर टाइम आप स्टेज में करते हैं, लोगों को स्टेज शो करते हैं, डांस शो में जाते हैं, तो फिल्म अभी आपकी आ रही है, तो कैसा महसूस होता है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों। देखिए सर, पहली बात तो मैं इंद्र कुमार जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दिल बेटा काफ़ी हिट फिल्में दी। मैं सर के पास गया था, वहाँ पे ऑडिशन देने गया था मैं, मेरे से पहले काफ़ी कुछ शाहरुख साहब के लुक लाइक गए थे वहाँ पे। तो मेरी ज़िद कैसे सर, मेरा थोड़ा तरीका लगे काम मांगने का, मेरा कैसे, मैं ज़िद से मांगता हूँ कोई भी चीज़। मैं मुझे अभी सर ने बोले कि भाई सर बिज़ी है 2 घंटे के बाद, मैं 2 घंटा ऑफिस में बैठा हूँ, मैं 2 घंटा होने के बाद उन्होंने बोले, सर ने बोला कल, माला नहीं 6 घंटा बैठूँगा सर से मिल के जाऊँगा। तो मेरा तरीका कैसा होता है, मैं जाके पहले अपना फोटोग्राफ्स नहीं देता हूँ, जैसे ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है मैं जाते से एक्टिंग चालू कर देता हूँ शाहरुख भाई की, जितनी मुझे वेराइटी आती है मैं सब बोल देता हूँ। तो सामने लेकर इसमें ऑप्शन नहीं छोड़ता हूँ कि क्या करना है। तो सर ने देखा यार टू गुड, ये बहुत अच्छा करता है, एक काम कर तू परसों शूटिंग पे आ जा। तो ये मेरा तरीका है सर, लोगों को देखो वो देने के लिए बैठे, आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जिस दिन मैं सेट पे गया तो मैंने देखा यार आज का स्टार तो मैं हूँ, मेरे लिए सिर्फ सेट लगाया गया है, जहाँ पर रेखा जी थी, शर्मन जोशी साहब थे और अपना विजय पाटकर वो कैरेक्टर जो आर्टिस्ट है वो थे, और साथ में मेरी को एक्टर्स थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार आज का जो शूटिंग है उसका राजा मैं हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से शूट करूँगा। तो उस दिन का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार जो वो बड़े स्टारों के लिए सेट लगता है वैसा आज मेरे लिए भी लगा। तो उस दिन तो मैं सोचा कि नहीं भाई अपनी तो निकल पड़ी, जूस मांग रहा हो, खाना मांग रहा हो, टाइम पे आ रहा है, कुछ भी चाहिए तो बॉय साथ में घूम रहा है, तो थोड़ी सी एक फीलिंग आती कि नहीं यार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है अच्छा, तो क्यों ना हम ट्राई करें। तो कुछ कुछ जगह पर लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पे हमारे मोदी साहब हैं जो तुम्हारा अपना प्रोड्यूसर है, उनका एक थीम था कि भाई लुक लाइक्स को लेकर आना चाहिए। तो शाहरुख भाई की फिल्म प्रमोशन था हैप्पी न्यू ईयर, वो टाइम पे मुझे बुलाया गया था कि शाहरुख साहब नहीं आ रहे, तो जेठालाल बहुत कोशिश करता है कि शाहरुख भाई के बंगलों पर जाता है, उनके ऑफिस में जाता है, उनके तुम्हारा शूटिंग पर जाता है मिलने के लिए, शाहरुख भाई नहीं मिल पाते। तो उसके जहन में एक आइडिया आता है कि यार मैं क्यों ना लुक लाइक शाहरुख खान को ले लूँ। तो फिल्म सिटी में वो देखता है कि यार इसकी भी शूटिंग चालू है, बोलता है यार ये तो सेम शाहरुख खान है, तो बोलता है हाँ ये शाहरुख खान के लुक लाइक है, बोले अरे लुक लाइक है तो क्या हो गया। तो फट से जाके वो तारक मेहता को फ़ोन लगा के बोलता है, बोले भाई ये शाहरुख खान को मैं लेकर आ जाऊँ, बोलता है जेठा तुमसे ओरिजिनल नहीं, बोला तुम डुप्लीकेट ला रहे, अरे कम से कम काम तो चल जाएगा, बोले ये पूरा शाहरुख खान जैसा दिखता है। वो एक सीन क्रिएट किया गया मेरे हिसाब से, तो थोड़ा अभी मेरे को भी लगा कि मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि मेरा काम एक दिन का था, 4 दिन मिले मुझे, तो शाहरुख भाई की वजह से मेरे को फ़ायदा ही हो जाता, नुकसान तो कोई होता नहीं है। अब जैसे शाहरुख साहब की फिल्में अगर हिट होती है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, फ्लॉप होती है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन हर पिक्चर से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, शाहरुख भाई की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है। सर जैसे कि आप मुंबई में आए, यहाँ पे आपने संघर्ष किया बड़ा पौधा, हर कोई मुंबई में आता है, हर कोई किसी एक्टर बनना रहता है, किसी बड़ा स्टार बनना, सलमान खान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, कोई ना कोई मुंबई जी बिल्कुल आता बिल्कुल है। बिल्कुल जो नहीं बन पाते बड़े स्टार, हर रोज ऑडिशन अलग अलग जगह पर जा पाते जी जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए कि वो हताश हो जाते, कहीं सुसाइड कर लेते, कई गलत राहों में चले जाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं माड़ा में ऑडिशन में गया था, 3 बच्चे मुझे मिले, मैं नाम नहीं लूँगा जिनके पास में उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, उन्होंने बोला सर हमने 3.5 लाख रुपये खर्चा किया, हम तीनों फ्रेंड है, मैं ला के आप तीनों एक गाँव से, तो बोले सर हम गाँव से नहीं, बोले यहाँ पे हम लोग दोस्त बने और हम लोग ने ये एक्टिंग सीखी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मैंने बोला तो फिर क्या हो गया, बोले सर 100-150 ऑडिशन दिए काम नहीं मिल रहा, बोले मतलब काम मिल नहीं रहा है या तुम लोगों को काम कोई दे नहीं रहा है, बोला रीज़न क्या है, पहले वो सर्च करो, बोला तुम बेटा क्या होता है, ये मुंबई शहर है, ये देने के लिए बैठी है, यहाँ 1 क्विंटल 1 करोड़ की बात होती है, बोला और तुम ये मत बोलो कि इंडस्ट्री में काम नहीं, इंडस्ट्री में बहुत काम है, बशर्ते हमको सही दिशा मिलनी चाहिए, सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही ऑडिशन मिलना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाए और हमारा काम हो, जैसे भी ये ऑडिशन में आ पाए, ये मेरे दोस्त का ऑडिशन है, तो यहाँ फेक काम नहीं होगा, ये सीरियल के लिए हो रहा है, बोला। तो मैंने उनको 2-3 एड्रेस दिए, मतलब यहाँ पर जाओ मेरा नाम लेके बोलो कि राजू भाई ने मुझे भेजा है, मेरे दोस्त ऐसा मित्र करके लो, डेफिनेटली काम मिलेगा, मतलब तू ऐड में अच्छा दिखेगा, तू ऐड का काम करा, आज टच उठ बोलना नहीं चाहिए, वो लड़का सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहा है। एक लड़के को मैंने नसरुद्दीन साहब की फिल्म में देखा, लड़के को मैं बहुत खुश हुआ, रात को कुछ नाइट का शो देख रहा था, 3:30 बजे मैंने उसको कॉल किया, तो उसने फ़ोन उठाया, मैं बोला बेटा नमस्ते, नमस्ते भैया कैसे, बोले मतलब यार अभी मैंने तेरी फिल्म देखा, ये 6 महीना पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो कोई मुझे टीवी में देख रहा है, कोई फिल्म में दिख रहा है, कोई रियलिटी शो में दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा उनको स्टेमिना दिया, मतलब अभी तुमने एक्टिंग कोर्स किया है, अभी तुम नेचुरल होके तुम्हें 6 महीना लगा है सिर्फ, यार लोगों के सालों साल बीत जाते हैं यार, 6 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, 6 साल स्ट्रगल करो देखो इंडस्ट्री तुम्हें क्या देती है, लेकिन हाँ हारने वाले के यहाँ लिया कोई जगह नहीं, जितनी मेहनत करेंगे मुंबई आपको उतना देगा, अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं तुरंत मेरे को मिल जाए तो यहाँ किसी को नहीं मिलता, मतलब यार प्रॉपर तो मुंबई का कोई पहली बात तो है नहीं, जो भी आए बाहर से आके उसने अपनी जगह बनाई है,
तो वेट एंड वॉच, जितना पेशेंस तुम रखोगे उतना इंडस्ट्री आपको देंगी। और मैं लोगों को हमेशा एक मैसेज देना चाहूँगा, जितने मेरे आर्टिस्ट लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, पहली बात तो स्ट्रगल वर्ड बहुत गलत है, आप स्ट्रगल मत बोलिए, आप उसे ये बोलिए कि मैं अच्छे काम की तलाश में हूँ। आज ये इंडस्ट्री में आप जो बो रहे हो ये आपका ब्याज है, ये सूद के साथ में आपको इंडस्ट्री रिटर्न देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लगे रहिए, मेहनत करो, बाकी देने वाला अल्लाह बैठा ऊपर, और आपको ज़रूर और कन्फर्म मिलेगा। अभी नवाजुद्दीन साहब देखिए, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, दिया ना मालिक ने। मैं बोलता 100 काम करने की आपको ज़रूरत नहीं, एक काम ऐसा करो कि 100 काम निकल जाए, लगे रहना चाहिए बस सिर्फ। सर जैसे कि आप जब आपको पहला शो मिला या जब वो पैसा आया आपका, हाँ, वो मैं उस मोमेंट के बारे में कुछ बताइए सर। वो क्या हो गया, मुझे मालूम है आज भी नागपुर में मेरे लाइफ का पहला शो था NIDC में, जहाँ पे कुछ 12,000 से 13,000 पब्लिक का क्राउड था। और मैं इसका वाक्य भी आपको बताऊँगा, मुझे डायलॉग शाहरुख भाई के बोलने अच्छे से आते, लेकिन मैं डर के मारे बोल नहीं पाता था, मैं डांस अच्छा कर लेता था, मैंने डांस किया। अब पीछे एक कैरेक्टर आया ऑटोग्राफ लेने, मुझे मम्मी कसम ये नहीं पता ऑटोग्राफ होता क्या है। तो मेरे एक दोस्त थे कलिंग, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, शुभम तिवारी भी भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। तो मैंने बोला भाई ये ऑटोग्राफ क्या होता है, अरे कुछ नहीं मुझे आता ना देने। तो वो क्या, उसका नाम पूछ के वो खुद ऑटोग्राफ देता था मेरे नाम से, राजू नाम से। तो मैंने फिर ऑटोग्राफ देना सीखा कि भाई कैसे दिया जाता है, मैं JR.SHKH लिखता हूँ, फिर राजू रईकवार लिखता हूँ, बोले यही ऑटोग्राफ है। अब कोई लड़की बोलती है, कोई बॉयज़ बोलता है सर मेरा नाम लिखिए। अब जैसे आपका नाम मनोज है तो मैं M लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मनोज की स्पेलिंग नहीं पता होती है पूरी कैसे लिखेगा। तो मैंने वहाँ सीखा, और वो पहला शो था जिसका मुझे मिला था 75 रुपये। तो मैंने बोलना नहीं चाहिए, वो 75 रुपये में 25 रुपये डाल के मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है खिलाने में, मुझे बड़ा, मैं शौकीन आदमी हूँ, कोई खाता है तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है। मैं एवरीडे कहीं ना कहीं जाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई 2-3 गरीब चाहिए, जो मैं उनको ग्राहक बोलता हूँ अपना, मैं कहीं भी जाऊँगा तो उनको खिलाऊंगा। तो मुझे खुशी होती कि नहीं यार मैं किसी ना किसी की तो काम आ रहा हूँ करके मैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं शाहरुख भाई के नाम से कुछ भी अमाउंट कमाता हूँ, वो 10,000 कमाऊँ, 20 कमाऊँ, 25 कमाऊँ, 50 कमाऊँ, एक छोटा सा हिस्सा मैं निकालता हूँ शाहरुख भाई भाभी बच्चों के नाम के सदका देके मैं खाना खिला देता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, शाहरुख साहब का पैसा है, नाम उनका है, मेहनत मेरी है, लेकिन मैं वो कुछ एक छोटा अमाउंट निकाल देता हूँ। और ये जग जाहिर है, मेरे जितने दोस्त हैं सबको पता है, अगर ये 50,000 कमाएंगा तो 10,000 बांट देंगे ही, सिर्फ शाहरुख भाई के नाम से। ये शाहरुख भाई को नहीं पता है, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में करता हूँ। मैं जब शाहरुख भाई की आ रही थी माय नेम इज़ खान, काफ़ी राइट्स वगैरह हो गए थे, दुनियादारी सब चालू था, उस वक्त मैंने बाकायदा महाराज को शांति के लिए 3 महाराज बैठा के मैंने पूजा कराई थी हवन, कि मेरे भाई का सब अच्छा हो जाए करके। क्या होता है, वो हमारे गॉडफादर है, उनके वजह से हमारा घर चलता है, हमारी दुनिया चलती है। तो मैं नहीं चाहता कि कभी उनके ऊपर ऐसी कोई आँच आए या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे उनके ऊपर कुछ हो जाए करके, तो हिसाब से मैं करता हूँ बॉस। सर फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर होना ज़रूरी है आपके अनुसार, गॉडफादर होने से क्या फ़ायदा होता है, या जिनके गॉडफादर नहीं है जैसे कि आपके नहीं थे तो कितना तकलीफ होता है? सर तकलीफ़ तो यही सर, देखो जिनको मिल जाता है तो मालिक दे देता है, जिसका नसीब होता है। और इंडस्ट्री में एक गॉड फादर होना चाहिए, तो मेरे तो माई बाप ही शाहरुख भाई है, माँ भी वही है, बाप भी वही है, और माँ बाप से बच्चा जीत करके ही ले सकता है। तो मेरा तो टारगेट ही शाहरुख भाई था, तो मैंने शाहरुख भाई को अपना गॉड फादर बनाया। और टचवुड, उनके आशीर्वाद से जो कुछ मिला है मुझे मिला है। तो मैं लोगों को ये नहीं बोलता कि आपका गॉड फादर होना चाहिए, अपना कंधा बेटा रखना सर और सो जाना। मैं लोगों को एक डायलॉग बोलता मेरा बहुत फेमस है, ज़मीन तेरा गद्दा है, आसमान तेरी चद्दर है, बेटा उड़ ले और सो जा, किसी पे उम्मीद मत रख, ये मुंबई शहर तेरे को देखे जाएगा। एक श्रवण कुमार है, जब वो अपनी मम्मी डैडी को लेके जा रहे थे तो एक ऐसे प्लेस में वो रुके जहाँ उन्होंने रुक के अपनी मम्मी डैडी से कहा कि मुझे एक आना दो तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो मम्मी डैडी को पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने एक आना दिए, वो आगे बढ़े। वो शहर था मुंबई शहर, ये स्वार्थी ज़मीन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। अच्छा होगा तो बोलेंगे अल्लाह ने किया, बुरा किया तो बोले आपने किया, और यहाँ रास्ते आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हमारे टाइम पे 95 में आए थे, इतने चैनल्स नहीं थे, अभी जो है आप लोग के चैनल्स, ये कुछ नहीं था उस वक्त में। उस वक्त CD VCR की कैसेट चलती थी, अब पेन ड्राइव चलता है, अब चिप चलता है। तो अभी देखो इंडस्ट्री ने कितनी तब्दीली की, अभी इतने चैनल्स हो गए, इतनी वेरायटी हो गई, इतने ग्लैमर हो गया, इतना तुम्हारे शोज़ पूरे बढ़ने लगे कि हर एक्टर के पास काम है आज के दौर में। बशर्ते आपको सही दिशा मिलनी चाहिए, सही लोग मिलना चाहिए, काम मिलता है, लेकिन लोगों के तरीके अलग होते हैं काम लेने के। लोग सोचते कि यार आज कर लिया तो कल का कल देखो, अपना वो चक्कर नहीं है, आज हुआ तो एक साल के बाद में क्या जुगाड़े खाने का, अपने को वो हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने से जो पीछे छूट जाएगा वो काम नहीं कर सकता, मेहनत बहुत ज़रूरी इसमें।
और आपको डटे रहना है। मुंबई देती है, देने वाला लेने वाला चाहिए। अभी जैसे मैंने एक शायरी बनाई थी कि इस मुंबई शहर की सड़क पे चलने वाला हर इंसान बड़ा बनना चाहता है तो मैं क्यों नहीं, ये मेरा डायलॉग से जिसमें मैंने रिंग टोन में रखा था। तो मेरे दोस्त लोग बोलते यार भाई आप तो ऐसा, तो मैं जब जाता हूँ तो मेरे जितने भी जो मित्र लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं जो मेहनत करते हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्षमा बुझ के जल सकती है, क्षमा बुझ के जल सकती है, कश्ती हर एक साहिल से निकल सकती है, अपने इरादे मत बदल दोस्त, ये तकदीर कभी बदल सकती है, बस मेहनत कर तेरे को मिलेगा सब। सर कभी ऐसा मौका आया कि जैसे कि आप स्ट्रगल करता है कोई तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के अपने गांव चले जाऊँ, ऐसा कभी मौका आता है? कितना बार आया? नहीं सर, ये मौके बहुत आया और आप यकीन मानेंगे बारिश में काम नहीं होता, सिर्फ बड़े प्रोडक्शन में काम होता है, जिनका काम होता है उन्हीं का काम चलते, बाकी काम नहीं होता। मैंने देखा है मुंबई में बारिश के टाइम पे जितने भी जो मेहनत करने वाले बंदे स्ट्रगल जो करते हैं, स्ट्रगल ही वर्ड बोलना पड़ेगा बोकस क्योंकि सब लोग यही नाम देते हैं, लोग चले जाते हैं। मैं बोला ये लोग क्यों चले जाते हैं कि काम नहीं रहता, इसलिए मैंने वो टाइम को अपना टारगेट बनाया, चार महीना मैं सबके ऑफिस में जाऊँगा, अपनी फ़ोटो दूंगा, फील्डिंग करूँगा, बारिश के बाद तो मुझे काम मिलेगा। देखो लोगों के तरीके अलग है, मेरे तरीके अलग है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जाते से एक्टिंग चालू कर देता हूँ कि मेरे पास ये अपनी दुकान है तो इससे से अगर किसी को फ़ायदा होता तो उठा ले, मुझे कोई ले सकता है तो ले ले, या फिर वो शो में यूज़ कर ले या शूटिंग में यूज़ कर ले या ऐड में यूज़ कर ले, मेरा तरीका अलग है। मुझे मालूम है अगर आप ये काम करें तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे मालूम है ये तरीका ये होना चाहिए इस तरीके से काम। तो मैं बारिश में कभी मुंबई छोड़ के भागा नहीं, हालांकि मेरे दिल में कभी ऐसा आया कि सोचा कि यार गाँव जाना चाहिए, मतलब गाँव छोड़ के आए मुंबई शहर में कुछ बनने के लिए, अगर मैं गाँव वापस जाता हूँ तो मेरे गाँव वाले मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना मेरे घर वाले। जब कब मैं कुछ करके जाता हूँ तो गांव वाले मेरे से जब मिलते फ़ोटो निकालते ऑटोग्राफ लेते, वही टीचर जो मेरे को मारता था वो टीचर मेरे कंधे में हाथ डाल के फ़ोटो निकालता है, मेरे से ऑटोग्राफ लेता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक टीचर जिसके आस में मैं पढ़ा करता था, जो मुझे सोचता था कि ये क्या करेगा, ये कौन सा नाम कमा लेगा, जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, आज लोगों की धारणाएँ मेरे लिए अलग है। आज मेरे गाँव से मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है बल्लार शाह शहर से, सब बोलते नहीं भाई बल्लार शाह किसान राजू रई कुमार, ये बहुत बड़ी बात है सर। और ये जो कुछ मेरा सिर्फ और सिर्फ शाहरुख भाई के नाम से मिला है मुझे, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लोग बोलते कि नहीं यार आपको अपना नाम खो दिया आपने, अपनी पहचान नहीं कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ मैं राजू रई कुमार जूनियर शाहरुख खान हूँ, मुझे शर मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। जब जूनियर एसआर की लगता है आप टाइप करिए यूट्यूब में जूनियर एसआर का डाले राजू रई कुमार मिलेगा, गूगल में शाहरुख खान डाले राजू रई कुमार मिलेगा, तो मेरा नाम कहीं ना कहीं यार है मेरे नाम से, मतलब मुझे सर स्कूल और कॉलेज सर वो तो स्कूल कॉलेज तो मैं पढ़ा नहीं बिकॉज क्योंकि मैं 10th चार बार फेल हूँ, जब सर हुआ क्रश तो क्रश हुआ है वो उसमें हुआ है। मैं आपको बता दूँ जब शाहरुख भाई की कवियाँ कभी ना आई थी तो मैं उस वक्त 10th के एग्जाम दे रहा था, तो मेरे सप्लीमेंट्री मिलती मेरा लिखना चाहूँ, तो मैडम बोली क्वेश्चन पेपर ने लिख क्या रहा है, मतलब मैं फिल्म का डायलॉग था वो कवियाँ कभी ना देखी ना, तो मैं वो लिख रहा हूँ। और बाकायदा उसके नीचे मैं लिखता था मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, बुक नहीं, प्लीज़ मुझे आप 2 मार्क्स तो दे सकते हो। और जब पूरे पेपर देने के बाद में मेरे को 20 मार्क्स मिले पूरे पेपर के, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कुछ लिखा नहीं, मुझे 20 मार्क्स कैसे दिए आप लोगों ने, क्योंकि मेरा शुरू से पढ़ाई में दिल नहीं था, मुझे सिर्फ एक फोकस था कि मैं मुंबई शहर में जाऊंगा, जूनियर शाहरुख खान बनूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे साथ फ़ोटो निकालेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, मैं टीवी में आऊँगा, सीरियल में आऊँगा, ऐड में आऊँगा, मेरी एक तमन्ना थी जो मैंने पूरी की। अब मुझे कोई बोले और कोई ख्वाहिश तो मैं लूँगा हाँ शाहरुख भाई के साथ एक फ़ोटो निकालना है स्टाइल मार के, या शाहरुख भाई के साथ एक छोटा सा रोल करना है। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं शाहरुख साहब के साथ काम करूं, मैं चाहता हूं ऐसा, शाहरुख साहब ने भी जाना चाहिए कि शाहरुख भाई ने मुझसे इतना बोलना चाहिए कि आज से लोग तुझे राजू रई कुमार के नाम से नहीं राजू शाहरुख के नाम से पहचानेंगे, शाहरुख भाई का इतना बोलना मेरा काम हो जाना। इसलिए तो मैंने बोला यार अब इतना सब कुछ कर लिए, हमने आमिर सलमान शाहरुख बना ली, अब आने वाले समय में हम आपको बता रहे कि हम दूसरी फिल्म बना रहे जिसका नाम है शाहरुख बनना आसान है, टाइम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और बिग बॉलीवुड की तरफ से, कि एक शाहरुख साहब के लिए एक प्रेजेंट होगा हमारा कि भाई एक बार जब ये फिल्म 2-3 की शूटिंग हो चुकी है अभी उसका पूरा काम चालू है, 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे तो हम शाहरुख भाई के सामने ले जाएंगे कि ये फिल्म आपको देखना है, उसमें हमने ये दर्शाया है वो दिख तो सकता है बन तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता, वो शाहरुख खान बन ही नहीं सकता। सर जब आप पहले दिन शाहरुख सर से मिले रहे जब उस टाइम का कुछ बताइए हमारे दर्शकों के लिए जो दर्शक आपके बारे में जानना चाहे, और वो कैसा रहा मोमेंट, क्योंकि एक आप हमेशा उनके मुझे वॉचमैन ने पहली बार तो अंदर जाने नहीं दिया, तो मैंने उसको एल्बम दिखाया, मैंने बोला सर ये मैं करता हूँ, हाँ तो कार्ड है क्या,
मतलब अभी तो आया हूँ, आप काम देंगे तो कार्ड भी बन जाएगा मेरा। मैं थोड़ा सा शुरू से बोल बच्चन था मैं, तो मतलब सर अंदर जाके जरा शाहरुख साहब से मिला, मुझे पता चला कि यहाँ शूटिंग है, परदेश की शूटिंग चालू थी उस वक्त। मैं और मेरा फ्रेंड शुभम भाई जो भोजपुरी स्टार है, हम दोनों ऐसे खड़े हैं, शाहरुख साहब वहाँ से आ रहे, रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने उन्होंने, एकदम मतलब कौले लौंडे से लग रहे थे भाई, और चश्मा लगा के ऐसा सिगरेट पी उन्होंने, हमारे सामने सिगरेट बुझाए और चले गए। और वो एल्बम मेरे पास था, तो एक स्पॉट बॉय आया मेरे पास में, मैंने उसको नमस्ते किया, मतलब सर ये मेरा एल्बम है शाहरुख साहब तक पहुँचा दो। उसने भाई को दिखाया नहीं, दिखाया आइडिया नहीं, लेकिन लेके गया आधे घंटे का दिलाया, बोले यार शाहरुख भाई को मैंने तेरा एल्बम दिखाया हो करके, एल्बम दिखाया जस्ट। वो एल्बम दिखाने के बाद में क्या होता है, मैं इतना खुश हुआ कि यार शाहरुख भाई ने मेरा एल्बम देखा। देखा नहीं देखा मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उसके बाद जब दब दोबारा शाहरुख भाई वहाँ से निकले, तो मेरी नज़र ही नहीं टिक पाई शाहरुख भाई पे, वो कैसे दिखते, उनके लिप्स कैसे, कान कैसे, आँख कैसी उनकी, तो हम लोग देखते रह रहे। मेरे दोस्त से मैंने पूछा तू नहीं देखा, वो बोलता तू नहीं देखा। पता चला दोनों ने शाहरुख भाई को देखा, लेकिन पता ही नहीं चला कि हमने शाहरुख भाई को देखे, यानी इतना ग्लैमर था शाहरुख भाई के फेस पे, हमारी नज़र ही नहीं टिक पाई शाहरुख भाई पे। फर्स्ट कस क्या रहे, जब मुझे पहली बार लोगों ने कहा कि भाई शाहरुख जैसा दिखता है, शाहरुख इसके जैसा दिखता है, शुरुआत वहाँ से कर दी। और जब कर दिए तो गरीब तो पूरी तरह फंस गया। देखो शाहरुख भाई के चक्कर में गाँव छूट गया, घर छूट गया, माँ बाप छूट गए, दोस्त यार छूट गए, 22 साल से मुंबई शहर में, अपना बचपन भी नहीं देख पाया, स्कूल छूट गई, कॉलेज जा नहीं पाया, बिकॉज इसलिए उसको शाहरुख खान बनना है। क्यों बनना है, किस लिए बनना है, अब समझ में आ रहा है कि वो शाहरुख खान नहीं बन सकता। तो मैंने अब सोचा नहीं है, अब एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम ही होगा शाहरुख बनना आसान, ये शुरुआत की थी मैंने। और आने वाले समय में मेरे बच्चे लोग को थोड़ा सा डिसअपॉइंट, बच्चों को ये भी होता है कि पापा आप इनकी एक्टिंग करते हो शाहरुख भाई की, शाहरुख पापा बोलते हो, बड़े पापा बोलते हो उनको। मैं उनको बताता हूँ कि नहीं इनको बड़े पापा बोलना है, ये बड़े पापा है आपके घर के। तो फिर मुझे मेरे एक दिन बच्चे ने आके बोला पापा आप अपनी एक्टिंग क्यों नहीं करते। मैं ला बेटा वक्त आएगा तो करूँगा ना। नहीं नहीं पापा आप शाहरुख साहब की, शाहरुख पापा की एक्टिंग करते हो, उनके जैसे डायलॉग्स बोलते हो, सब ठीक अच्छा है, बोले आप अपना क्यों नहीं करते। तो उस समय दुख तो हुआ, मेरे को दुख हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा जो अम्मा ने उसने मुझसे कहा था पापा आप अपनी खुद की एक्टिंग करो। मैं बोला हाँ बेटा मैं खुद की एक्टिंग करूँगा। मैं ला क्या होता है बेटा, ज़िंदगी में दो रास्ते होते, एक सही या गलत, तो मैंने सही रास्ता चुना। अगर आज मैं मुंबई शहर नहीं आता तो आज मेरी फैमिली नहीं बनती, मैं पैसा नहीं कमाता। तू बहुत छोटा है तू नहीं समझ पाएगा, बोला लेकिन होगा। और जब मैं मेरे बच्चे को थिएटर पे लेके गया, तो हम लोग को रावण फिल्म देखने गए थे शाहरुख भाई की, तो मेरे बच्चे ने ऐसे देख के ऊपर बोलता है मुझे पापा वो टाइम कब आएगा आपके और शाहरुख पापा की फ़ोटो एक साथ आएंगी। बोले मतलब बेटा पेपर में आती है ना शाहरुख पापा की फ़ोटो अलग होती मेरे, नहीं नहीं आप और शाहरुख पापा एक साथ काम करना चाहिए, शाहरुख पापा को आप बोलो कि आपको काम चाहिए करके। मतलब बेटा ये तो उनको पता है मुझे काम चाहिए, लेकिन वो देना चाहिए ना अपने को, वो क्यों नहीं देते। तो फिर आप उनकी एक्टिंग क्यों करते हो, अपनी एक्टिंग क्या करो। बोले फिर हम लोग पिक्चर देख के निकले, पिक्चर देखने के बाद में फिर मेरे लड़के ने कहा पापा शाहरुख पापा ने इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की, बोले अब आपसे अपनी एक्टिंग करना। बोले मैं बोला ठीक है बेटा। फिर जस्ट मैं सो रहा हूँ, ये तो बहुत पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट जब फैन फिल्म आने की थी उसका टीजर वगैरह चालू था, तो मैं ऐसा सोया था तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आए मन्नत और अमन। पापा पापा उठो। मतलब क्या हो गया बेटा। पापा एक बात पूछूँ। मला देख गलत बात मत पूछ, जो पूछना अच्छी पूछ। पापा नहीं मैं पूछता हूँ, दीदी मैं पूछता हूँ। उन लोग आपस में झगड़ा लड़ने लगे। मला बेटा तुम दोनों बोल दो क्या बात है। तो दोनों के मुँह से की बात निकला, आज तक आप शाहरुख पापा की एक्टिंग करते तो फिर शाहरुख पापा को क्या ज़रूरत है आपकी एक्टिंग करने की। मैं बोला मैं समझा नहीं यार तू क्या बात कर रहा है। तो बोलता नहीं 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 वो जबरा फैन का जो गाना है ना सेम पापा आपके जैसे लग रहे। बोले मैं बोला थैंक यू यार बेटा गॉड ब्लेस यू। बोला कम से कम तू तो मेरी हकीकत समझा। बोला नहीं नहीं पापा वो आप गाना देखो आपको ऐसा लगेगा वो आपको करके इतने दुबले पतले छोटे से, मेरे को थोड़ी देर के लगा कि वो आपने काम किया करके। मतलब नहीं बेटा वो शाहरुख पापा है। बोला तो बोले फिर पापा को क्या जरूरत है आपके जैसे हेयर स्टाइल रखने। मतलब नहीं बेटा ये हेयर स्टाइल उनकी पूरा नहीं है, ये जो मैं हेयर स्टाइल रखता हूँ शाहरुख पापा की रखता हूँ। मैं शाहरुख पापा की एक्टिंग करता हूँ, पापा मेरी एक्टिंग नहीं कर सकते। बोला बेटा तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरी बच्ची ने उसके एक फ्रेंड ने बोला कि तेरे पापा शाहरुख जैसे दिखते मुझे ऑटोग्राफ चाहिए करके। तो जेठालाल के साथ में मेरी फ़ोटो मैंने उसको दिया, तो उसने बोली ये तो तेरे पापा लुक लाइक है ना। बोले तो बोले हाँ मेरे पापा तो लुक लाइक है एक्टिंग करते। अरे मैं समझी कि तू ओरिजिनल शाहरुख खान की बेटी हुई। अब बच्चे बच्चों में बात होती है। नहीं नहीं मेरे पापा तो शुरू से कॉपी कैट है। बोले वो तो यही करते हैं। बोले तो बोले ठीक है तेरे पापा से बात कराना। बोले तो एक दिन दो दिन बात नहीं हुई, तीसरे दिन उसने मेरे को बोली पापा मेरी फ्रेंड से तुम उनसे बात करो। तो मैंने बात किया कैसे हो बेटा ठीक है। सर आप मन्नत के पापा बोल रहे हैं। मतलब बेटा सर ने आप अंकल बोल के बात कर सकते हो। ठीक है अंकल। अंकल टू गुड मैंने आपका देखा तारक मेहता का मुझे अच्छा लगा। बोले अंकल गिव मी ऑटोग्राफ प्लीज़ एक मिलेगा मन्नत की बुक पे आप भेज दो। बोले तो मैंने फिर उसको ऑटोग्राफ करके दिया। तो फिर मैं बच्चों को बोला एक समय थोड़ा ऐसा आएगा बेटा जहाँ मुझे अपनी खुद की एक्टिंग करने का मौका मिलेगा या इंडस्ट्री मुझे चांस देंगे या फ्यूचर में हम कोई फिल्म बनाएंगे
तो उसमें एज ए राजू रही मैं प्रेजेंट हूँ, लेकिन हाँ उसमें मैं शाहरुख साहब की एक्टिंग करूँगा। बोला पापा आप फिर शाहरुख पापा के पीछे पड़े रहते हो, खुद की कर दी ना। मैंने बेटा क्या है, एक आदमी जब कहीं फंस जाता है ना उसको निकलने में बहुत तकलीफ होती है, बोला ये तू नहीं समझेगा, जब तू बड़ा हुआ तो समझेगा। मतलब देख आज मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, तेरे ऊपर डायलॉग्स लागू होता है, तू माँ को बोल सकता माँ भाड़ में गया, माँ का दिल, माँ मेरा बाप भी एक जूनियर आर्टिस्ट था, मैं भी जूनियर आर्टिस्ट की नौकरी करते करते मर जाऊँगा। मतलब ये डायलॉग्स मत बोलना यार बेटा, कि तू पढ़ लिख, तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन या पुलिस वाला बन, एक्टर मत बन यार। बोला एक्टर बनने में बहुत तकलीफ होती है, बोला वो इतनी होती है कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बोला वड़ा पाव खाना पड़ता है, रोड पे सोना पड़ता है, क्या क्या बातें सुननी पड़ती, जब काम नहीं मिला तो आदमी घर पे बढ़ता है। लेकिन हाँ मैं एक बात आपको बता दूँ, मेरे जितने चाहने वाले मेरे दोस्त लोग हैं, जब मेरे पास काम नहीं होता मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, बिकॉज इसलिए कि मैं प्लानिंग करता हूँ। क्या होता है, नेगेटिव जो है वो अंधेरे में बनता है, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, तो मैं उस वक्त ज़्यादा मेहनत करता हूँ जब मेरे पास काम नहीं होता है, और जब काम होता है तो मैं तो मेहनत करता हूँ, लेकिन उस वक्त ज़्यादा करना होता है जब तुम्हारे पास काम नहीं होता। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में निराश मत हो, मेहनत करते रहो, मालिक देने के लिए बैठा है, तुझे मांगने का तरीका आना चाहिए। आप मंदिर में जाते हो, दरगाह में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, आप बोलते हो या अल्लाह या खुदा या भगवान मुझे दे, ऐसा नहीं मांगते, ज़िद कर मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, आपको देना पड़ेगा। आप ज़िद करो आपको मिलेगा, ये मेरा तरीका है और ये हर इंसान के लिए लागू होता है। जैसे हम हमारे माँ बाप से ज़िद करते हैं वैसे आप गॉड से ज़िद करो। वैसे मैं शाहरुख भाई से ज़िद करता हूँ, मुझे आपके दो मिनट चाहिए, अब मैं उनका बच्चा हूँ और उनको देना पड़ेगा। सर कब, जैसे कि शाहरुख सर को तो टाइम मिलता होगा या मिला है, हमने खुद देखा है जी। जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में जाते हैं घुमाने, क्या आप अपने बच्चों को कहाँ कहाँ लेके गए, और वहाँ पे जो स्कूल में अगर आप ओपन डे में गए रहेंगे तो बच्चे लोगों ने क्या कहा, कुछ ऐसे अच्छे मूवमेंट? सर ऐसे मूवमेंट मेरे लाइफ में इसलिए नहीं हुए बिकॉज क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं सिर्फ साल में बच्चे जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कभी ओपन हाउस में नहीं गया बच्चों के, मैं साल में एक बार सिर्फ फीस भरने जाता हूँ, साल भर की पूरी फीस भरने के बाद मैं कहीं नहीं गया। लेकिन हाँ मैं हर सैटरडे माउंट मेरी जाता हूँ, वहाँ जाके मैं कैंडल्स वगैरह जलाता हूँ, प्रे करता हूँ, फिर माइम दरगाह जाता हूँ, चादर चढ़ाता हूँ, फिर जू जाता हूँ, फिर मेरे बच्चों को मैं बताता हूँ ये शाहरुख पापा का घर है। तो मेरी बच्ची ने मुझसे जिद की कि पापा मुझे सेल्फी निकालना है वहाँ पे, तो मैंने मेरी वाइफ को भेजा, मतलब मन्नत खड़ी है तू जाके फोटो निकाल, क्योंकि क्राउड था वहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि फिर कुछ बवाल आओ, मैं वहाँ जाऊँ फिर लोग मेरे साथ फ़ोटो सेल्फी निकालें, मैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं वाइफ को बोला जा इसकी दो जरा फोटो निकाल दे, फिर मेरे बच्चे ने बोला पापा मुझे भी निकालना है। वो फोटो निकाल के बाकायदा मैंने शाहरुख साहब को SMS की, भाईजान आज नाइट में 9 बजे मैं आपके घर के पास था, ये मेरी लड़की मन्नत है और ये अमन करके हो जाता है, कर लेते थोड़ा बहुत। आज जैसे कि भविष्य में कभी हम सोच रहे हैं कि आप आपके बच्चे भी जाए फिल्मों में, नहीं नहीं मेरा कोई प्लानिंग नहीं है सर इसमें, मैं बच्चे जो करना चाहते हैं वो करे। जैसे मेरी बच्ची को डांस का बहुत शौक है, उसको एक्टिंग करना है, तो मैं उसको शुरू से बोलता बेटा आप एक्टिंग मत करो, आपको अगर ऐसा लगता है कुछ करना है तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कुछ टीचर बनो या डांस टीचर बनो, एक्टिंग मत करो। एक्टिंग है फील्ड बहुत अच्छा है, काम मिलता है लेकिन मैं थोड़ा सा गाँव टाइप का आदमी हूँ, तो मैं जिस फील्ड में रहा मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, देखो बच्चे बोल नहीं सकते उनका क्या मूड है, अभी हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते बड़े होके क्या बनेगा, हमको लेके चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता हो सकता है मैं लड़की के लिए सोच रहा मेरा लड़का एक्टर बन जाए, हो सकता है। देखो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड का असर पड़ता है, जैसे मेरा बच्चा आईने के सामने डांस करेगा एक्टिंग करेगा तो मैं बोलता भाई एटलीस्ट मेरी एक्टिंग मत करना, कि मैं ऑलरेडी किसी की कर रहा हूँ, बोला तू मेरी मत करना, करना तो अपनी खुद की करना करके, नहीं नहीं मुझे पता है। फिर मेरी बच्ची डांस करके देखते पापा मेरे को डांस टीचर बनना है, मैं बोला बेटा फिर टीचर क्यों नहीं बने, तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे फिल्म लाइन में, मैं नहीं चाहता पर्सनली। बाकी वाइफ ने बोला इनकी अपनी ज़िंदगी, इनको जो बनना है बनने दो, रोक टोक मत करना। तो मैंने बच्चों को बोल दिया कुछ भी करो लेकिन फिल्म लाइन में मत आना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल मैं जैसे कि आपने शादी की तो क्या मतलब क्या सोचा, मतलब जब शादी किया घर से फैमिली की तरफ से या आपने खुद लव मैरिज किया कुछ? नहीं इसमें मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त हमारी मम्मी जी तो नहीं थी, मम्मी जी की ख्वाहिश थी कि तू शादी करेगा तो फैमिली लड़की से करना, और उस वक्त आपको पता है मैं बॉम्बे में अकेला रहता था मैं, तो मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया यार मैं लड़की देखने जा रहा हूँ क्या मैं देख सकता हूँ लड़की, उन्होंने कम से कम 25 से 30 लड़कियाँ देखी मेरी सिस्टर ने मेरे डैडी ने। तो एक दिन नाइट में मैंने मेरी दीदी को फ़ोन किया, बोला कैसी तू, बोला तो बोलने लगी अरे क्या बताओ बेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बोले तेरे जिया जी का मेरा तेरे लिए लड़की देख रहे थे। अरे मैं बोला यार तू इतनी तकलीफ क्यों करी, मतलब देख लंगड़ी लूली जो भी होंगी चलेंगी लेकिन घर लेके चलने वाली चाहिए, कल परसों जब भी तू जो लड़की देखेंगे उसको फाइनल कर देना, बोला तू। तो उसने बोली ठीक है, तो एक पूजा नाम की लड़की है जिसको उन्होंने फाइनल किए। फिर मेरे पिताजी ने मुझे बुलाए, बोले यार लड़की देख ले, तो हम लोग सब पूरा परिवार बैठा लड़की देखने के लिए।
तो लड़की आई, एक नज़र उसने ऊपर करके देखी, नीचे मुंडी डाल दी। बोला ठीक है मैं बाहर आ गया। तो मेरे डैडी बोले क्या हो गया भाई, पसंद नहीं आई क्या? मैं बोला क्या यार, ये मेरी चॉइस है, कहाँ बैठल रहे हो? बोला आप मुझे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, ये गाँव खेटी की लड़की, कौन शादी करेगा इससे यार? बोले तो मेरे डैडी थोड़े नर्वस होकर ऐसे हाथ रख के नीचे मुंडी करने लगे। तो मैंने फिर मेरे बड़ा भाई बोला कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको मालूम ये कमाता है, पैसा भेजता है तो ये बोल सकता है करके। तो मेरे डैडी थोड़े रोने लगे, तो मैं बोला वो डैडी लड़की पसंद है यार, हाँ बोल दो शादी कर लेते करके। तो मेरा डैडी आंसू पोंछ के जो भागा, मेरा डैडी इतना खुश हुआ कि मेरे लड़के ने मेरे मर्ज़ी से शादी की, हाँ बोला इसने, बॉम्बे में रहता है, गर्लफ्रेंड भी थी उस वक्त मेरी, क्यों झूठ बोलूँ मैं, दो दो तीन तीन थी। तो फिर बोला मैं लड़की से पर्सनली बैठ के बात करना चाहूँगा, अब आका था मेरे को कोई शर्म नहीं कि मेरी वाइफ को सब पता है। तो मैंने लड़की को बुलाया अकेले, हम लोग एक रूम में ऐसे बैठे। तो मैंने आपका नाम क्या है? बोला तो मेरे मुँह से बेटा बहुत निकलता है, मतलब बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने बोली पूजा। मतलब देख यार मेरी दो गर्लफ्रेंड थी, दो छोड़ दिया, दो है। बोला तू शादी कर, खुश रखूँगा तुझे, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? मतलब देख मैं थोड़ा सा चिड़ू किस्म का इंसान हूँ, मुझसे अशब्द बहुत निकलते हैं और उल्टी सीधी बातें कर लेता हूँ, गुस्से वाला हूँ, तू क्या मेरे साथ टिक पाएंगी? बोला तो उसने कुछ जवाब नहीं दी मुझे। तो मैंने देखा उसने अपने दोनों अंगूठे ऐसे से घस रही थी पैर पे। तो फिर उसके मम्मी डैडी से मिला मैं, तो उसके मम्मी डैडी ने बोले बेटा आप क्या करते हो? मतलब मैं एक्टिंग करता हूँ, कमाने को तो एक रुपया कमा लेता हूँ, नहीं कमाया तो एक रुपया नहीं कमाता हूँ, हाँ कभी लाखों आते तो कभी नहीं आते, लेकिन इतना कि आपकी बच्ची देंगे तो उसको खुश बहुत रखूँगा, ये मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोले हमको थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब देखो टाइम मत लीजिए, 5 मिनट आपको देता हूँ, हाँ या ना बताओ, भगवान का पहला रिश्ता है, पहला लड़का जो आपकी लड़की को देगा, और आपकी लड़की के लिए बड़ी बात है कि मैं पहला लड़का हूँ, इसको हाँ बोल दो, तुम्हारी लड़की बहुत खुश रहेगी। और टचवुड उस दिन का दिन और आज का दिन है, लड़की खुश है। मेरे को दहेज में जो मेरी वाइफ को जो मिला, हमको मिला, हमने सब मंदिर में दान दे दिया, मतलब हमको नहीं चाहिए, सिर्फ दो जोड़ी में वाइफ को लेकर आए। और आज तक वो मेरी वाइफ को जो दो जोड़ी मिला, वो कपड़े मैंने संभाल के रखे। मैं बताता यार, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम लोग ऐसे कपड़े पहनते, थोड़ा पुराने ज़माने के स्टाइल का आदमी हूँ, जो ड्रेस मैंने मुंबई शहर पहन कर आया था वही ड्रेस मैं पहनता और बैठ के सिगरेट पीता हूँ कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा अमिताभ जी का स्टाइल डाल देता हूँ उसमें, थोड़ा मज़ा आता है जब काम नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उस वक्त ज़्यादा खुश रहता हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि आगे मुझे काम करना है, अपसेट नहीं होना, अपसेट रहूँगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा ना, बस इसलिए। आपकी फिल्म आ रही है 14 अक्टूबर जी, बिल्कुल शाहरुख आमिर सलमान जी, हाँ जी, ये फिल्में क्या अलग है, जैसे कि हर वक्त कोई ना कोई इंडस्ट्री का चाहते हैं तीनों खान एक साथ काम करें जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं होता और ना ही हो रहा है, हो रहा है, ओके। तो क्या इस फिल्म के द्वारा क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, आपकी जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है क्या देना चाहते हैं? अभी इसमें प्रेम जी गंगवानी हमारे सेकंड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट बाबू भाई बिग बॉलीवुड वाले हरीश बाबू है, और अपना राजू रेखवार मैं हूँ इसमें, अब हम तीनों प्रोड्यूसर है इसमें। तो हम तीनों ने सोचा, हमारे दोस्त इकबाल सुलेमान फाइट मास्टर, उन्होंने बोला यार एक फिल्म बनाना है मेरे को आमिर सलमान शाहरुख, मतलब तीनों खान को लेके, भाई तीनों खान तो वैसे भी नहीं आएंगे, मैं तीन लोग लाइक की बात कर रहा हूँ, मतलब एक शाहरुख खान तुम्हारे सामने खड़ा है, सलमान मिला देता हूँ, आमिर मिला देता हूँ, कर लो बोला भाई साथ में काम। तो भाई ये बनाते बनाते हमको 5-7 महीना लगे, और बहुत स्ट्रगल हो गई, बहुत दुनियादारी हो गई हमारी, कैसा भी करके हमने फिल्म तो बना ली, लेकिन हाँ एक पिक्चर में एक मैसेज ये है, रहते तीनों एक जगह फिर भी है अलग अलग, अल्लाह ताला वो दिन दिखलाए कि ईद की नमाज़ पढ़ने तीनों साथ में आए, आमिर सलमान शाहरुख, सुन लो सारी हसीनों, आ रहे हम तीनों आमिर सलमान शाहरुख, जब तीनों हम हाथ मिलाए, बड़ों बड़ों का बैंड बजाए आमिर सलमान शाहरुख। तो ये तीन खाने एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे नहीं आ सकते, मैंने तीन लुक लाइक्स लेकर आया। और मैं आपको बता दूं, मैंने शाहरुख भाई से 2 मिनट मांगे थे मेरे डॉक्यूमेंट्री के लिए, शाहरुख भाई ने 2 मिनट नहीं दिए, इस जिद में मैंने 2 घंटे की पिक्चर बना दी जिसका नाम है आमिर सलमान शाहरुख। जब ये तीनों खान बैठ के देखेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ यार कुछ बनाए, लेकिन अच्छा बनाया इसने। क्या स्क्रीनिंग करें या स्पेशल स्क्रीनिंग सर, और क्या आप उनको बुला पाएंगे? सर मैंने ट्विटर पे सबको मैसेज भेजा, बाकायदा जब जिस दिन हमारा टीजर लॉन्च था, शाहरुख भाई सलमान भाई मेरे भाई इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सबको भेजा था मैंने। अभी हमारा बहुत जल्दी म्यूजिक लॉन्च है, इंशाल्लाह आपको भी बुलाऊंगा मैं, उसमें भी मैं सब लोग को इनविटेशन दूंगा। देखो कोई आता है नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन उन लोग की ब्लेसिंग हमारे साथ है। देखो ये तीनों स्टारों के जितने जो फैन है, ये तीनों का सपना हमने तो एटलीस्ट पूरा कर दिया। 100 लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन 20 लोग तो आएंगे, आमिर भाई सलमान भाई शाहरुख भाई के कुछ तो लोग आएंगे हमारे पिक्चर देखने के, भाई तीन एक साथ तो नहीं आ सकते, चलो हम लुक लाइक को देख ले, वो असली का मजा नकली में मिलेगा सर आपको। प्रमोशन क्या कर रहे हैं सर? प्रमोशन अभी हम लोग ने दिल्ली किया है, गाज़ियाबाद नोएडा और छत्तीसगढ़ रायपुर और तुम्हारा अपना सूरत अहमदाबाद और अभी बॉम्बे प्रमोशन है। तकरीबन 1 साल से हमारा प्रमोशन का पूरा प्लानिंग चालू है, और आप सोशल मीडिया देख सकते हो, बाकायदा यूट्यूब पे देख सकते हो, एवरीडे कहीं ना कहीं तीनों भाई के वजह से, हमारे स्टारों की वजह से, हमारे जो बॉस लोग हैं उनकी वजह से हमारा एवरीडे कहीं ना कहीं पेपर में आ ही रहा है। आप कोई भी ब्लॉग खोलिए आमिर सलमान शाहरुख, तो आपको ओरिजिनल हमारे सीनियर और जूनियर दोनों साथ में मिले, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, ये हमारा प्रमोशन चालू पूरा।
सर एक आखिरी सवाल, जब शाहरुख खान कभी कंट्रोवर्सी में रहते हैं तो आपको कभी दिक्कत होता है फैनों के साथ या किसी के साथ भी? नहीं, ये बहुत बड़ी बात पूछी आपने, बिल्कुल सही पूछी। अभी दिल वाले के टाइम पे आपको पता है क्या कांड हुआ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, बोले यार मुझे दो लुक लाइक चाहिए। मतलब ठीक है, शाहरुख खान चलेगा? तो बोलता नहीं यार, शाहरुख भाई नहीं चाहिए। मतलब क्यों भाई? अरे वो दिलवाले में ऐसा ऐसा कांड हुआ ना भाई, बोले मुस्लिम कैरेक्टर नहीं चाहिए। बोले मैं बोला यार मैं तो हिंदू हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोले अरे नहीं नहीं समझा कर, बोले शाहरुख खान नहीं, तू राजेश खन्ना मिथुन दे दे लेकिन शाहरुख खान नहीं चाहिए। बोले तो क्या होता है जब शाहरुख भाई कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं, उनका कुछ होता है तो लोग हमें शो में नहीं बुलाते। ये मेरे साथ नहीं, आमिर खान के साथ भी ऐसे होता, जूनियर के साथ में। जब आमिर खान साहब ने कुछ बोल दी कि भाई हम लोग ये दुनिया में सेफ नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा ऐसा करके, ये लुक लाइक को कोई बुला ही नहीं रहा शो में। ये बहुत फ़र्क पड़ता है सर, जब ये हाइप पे होते हमारे सीनियर, हम भी हाइप पे होते। अगर इनका डाउनफॉल चालू होता है, अगर इनके आस में मतलब फिल्में पिट जाती है, तो हमारे भी हम भी पिट जाते हैं, हमें भी स्टेज पे काम नहीं मिलता है। उनके साथ में हमारे तार जुड़े होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इत्तेफाक बोलो क्या बोलो, अगर हमारे शाहरुख साहब हाइप पे चलेंगे तो मेरे को भी हाइप मिलती है, मुझे भी पैसा शो मिलने लगता है। जहाँ थोड़ा सा इन लोग का डाउन पीरियड होता है तो हमारा भी डाउन पीरियड होता है, हमारे पास भी काम नहीं होता है, फिर भी हमारे सीनियर करते, हमको तो घर पे बैठना पड़ता है, बहुत शिद्दत करनी पड़ती है हम लोग इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू बॉस, गॉड ब्लेस यू, मालिक खुश रखे। राजू रविवार को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। 14 अक्टूबर को देखना ना भूलिए, आमिर, सलमान, शाहरुख, आप लोग की अपनी पिक्चर है, सब परिवार के साथ देखने जाइए, यू सर्टिफिकेट के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय। सर कुछ एक डायलॉग हो जाए जो हमारे दर्शकों के लिए, आप जो आपका मन पसंद हो। बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई लव यू किरण, आई लव यू बॉलीवुड। देखना ना भूलिए 14 अक्टूबर को आमिर, सलमान, शाहरुख आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग इट। के साथ किशलाल कुलियाल, बॉलीवुड अड्डा।